पीवी सिंधु की कामयाबी में उनके कोच पुलेला गोपीचंद ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। बैडमिंटन के खेल में साइना से लेकर सिंधु तक और श्रीकांत से लेकर पी कश्यप तक को सफलता का गुरुमंत्र पुलेला गोपीचंद से ही मिला है। गोपीचंद बैडमिंटन की दुनिया के वो नाम हैं जिनके मार्गदर्शन में हर खिलाड़ी ने न केवल अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया बल्कि सफलता की नई उड़ान भी भरी। ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाली साइना सिंधु हो या क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर सबको प्रभावित करने वाले श्रीकांत और पी कश्यप, इन सब खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर भारत का मान बढ़ाया और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया पूर्व ऑल इंग्लैंड चैंपियन और विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी रह चुके पुलेला गोपीचंद ने। गोपीचंद ही वो द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने अथक प्रयास से अपने शिष्यों को अर्जुन बनाया। एक वक्त भारत के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके गोपी आज भारत के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन कोच हैं। हैदराबाद स्थित गोपी की बैडमिंटन अकादमी को विश्व स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की फैक्ट्री कहा जाता है। यहां गोपी खिलाड़ियों को निस्वार्थता का पाठ पढ़ाते हैं। ये सभी खिलाड़ी एक साथ अभ्यास करते हैं, एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे का उत्साह वर्धन करते हैं। गोपीचंद ने जब अपनी अकादमी शुरू की थी तब उनका मुख्य मकसद ओलंपिक में अपने शिष्यों को पदक जिताना था। अकादमी शुरू करना भी आसान नहीं था। सरकार ने गोपीचंद को अकादमी बनाने के लिए जमीन तो दे दी थी लेकिन प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए गोपीचंद के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया। आमतौर पर सौम्य मृदुभाषी नजर आने वाले गोपीचंद एक सख्त कोच हैं जो अपने शिष्यों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना जानते हैं। पीवी सिंधु के पिता पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी पीवी रमन्ना और उनके कोच पुलेला गोपीचंद दोनों को 2000 में एक ही साथ अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 9 साल की पीवी सिंधु जब बैडमिंटन के गुर सीखने पुलेला गोपीचंद के पास आई तो गोपी कोर्ट पर उनके मूवमेंट से काफी प्रभावित हुए। तब से उन्होंने इस हीरे को तराशना शुरू किया जिसकी चमक से आज भारतीय बैडमिंटन जगमगा रहा है। गोपीचंद ने एक साल पहले ऑपरेशन रियो पर काम करना शुरू किया था। सिंधु के लिए खास तौर से वेट ट्रेनर और फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट को बुलाया गया। मकसद था सिंधु का स्टैमिना और ताकत बढ़ाना ताकि वो कोर्ट पर एक घंटे से ज्यादा का समय आसानी से बिता सके और लंबी रैलियों में अपने विरोधी को थका सके। गोपीचंद ने सिंधु को कोर्ट पर आक्रामकता दिखाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया। उनके पिता को भी खास जिम्मेदारी दी गई ओलंपिक के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने की। सिंधु के पिता ने 8 महीने की छुट्टी लेकर सिंधु के साथ वक्त बिताया और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। पहले साइना और अब पीवी सिंधु ने ओलंपिक में इतिहास रचते हुए बैडमिंटन में भारत के लिए पदक जीता है। कामयाबी के जिस शिखर पर गोपीचंद खुद नहीं पहुंच पाए उस स्तर पर उन्होंने अपने शिष्यों को पहुंचाया है। जो ओलंपिक पदक वे खिलाड़ी के तौर पर नहीं जीत पाए, पहले साइना और अब सिंधु के रूप में ये पदक जीत कर उन्होंने अपना ही नहीं करोड़ों भारतवासियों का सपना पूरा किया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD News।